वेलकम टू स्टिच टू फिट। और आज हम बनाएंगे लेडीज शॉर्ट कुर्ती विद पॉकेट, ताकि आप उसमें मोबाइल वगैरह रख सको। ठीक है, तो ये इसका नाप है, ये देखो। ठीक है, और ये हमारे पास कपड़ा है, कपड़ा 1.5 मीटर के करीब है, और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये देखो लंबाई इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से डबल है, और ये इस टाइम ये देखो, ये देखो, बल्कि 1.5 से भी थोड़ा सा 60 इंच हुआ, ये पूरा इंची टेप है। तो उसके बावजूद भी ये देखो, ये थोड़ा सा फालतू है, 7 का इंच। ठीक है, पर आप 1.5 मीटर ले लो, उसमें आपका टॉप आसानी से बन जाएगा। और ये डबल, ये भी डबल है, तो ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, वो कितनी है, ये देखो 1.5, ये देखिए 1.5 28 इंच। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके बिछा के मैं फिर स्टार्ट करती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि आपने कैसे करना है इसको। ठीक है जी, इसको प्रेस कर लेते हैं उल्टा करके। तो अब देखो, मैंने इसको, ये देखो 2 पल्ले हैं, ये ऐसे लंबाई वाली तरफ मैंने ऐसे बिछा दिया, और इसमें प्रेस कर लिया। आपने भी ऐसे मतलब कपड़े को लेके डबल करके प्रेस कर लेनी है, फिर इसकी क्रीज बिठा के। ये देखो, अब हम लोग इसका जो सबसे पहले क्या काम करेंगे, कि इसका हमने जो घेरा लेना है ना, पहले उसका नाप लगाएंगे। तो इसमें घेरा कितना हमारा कुर्ते का, ये देखो ये है 23 इंच। ठीक है जी, घेरा है। तो कुर्ते में हम लोग जैसे तुरपाई करते हैं ना आम शर्ट में, तो वैसे हम लोग नहीं करेंगे, तो इसको ज़्यादा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 23 है, तो इसमें सवा सवा इंच हम लोग, ये 23 है घेरा, तो हम लोग सवा सवा इंच दोनों तरफ बढ़ा के रखेंगे। तो अगर इसमें हमने 2.5 इंच और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 25.5। ये देखो, तो 25.5 हमने इसका निशान लगा लेना है ऐसे करके, ये देखो। ठीक है जी, ऐसे आपने 3 निशान लगा लेने। ठीक है जी, ऊपर तक ये 25.5। ठीक है जी, अब ये निशान लग गए। अब इस, ये दोनों पल्ले देखो हमारे इकट्ठे कटेंगे, ये देखो। ठीक है, आगे का भी पीछे का भी। और इसमें आपने ये भी देखना है कि डिजाइन आपका मतलब कैसा है। ऐसा ना हो कि अगर उसमें फूल है, कुछ है, बेल बूटे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, तो एक फिर मतलब उल्टा सीधा हो जाता है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो और अब हमारे में तो बॉक्स बॉक्स हैं, इसको जैसे मर्जी आप काट दो। तो ये देखो, अब भी इस कपड़े को हमने 4 तह, ठीक है जी, इसके 4 तह कर दिया हमने। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 1, 2 और 3, ये 4। ठीक है जी, 4 फोल्ड कपड़ा हो गया। अभी इसको बिछा के इसके ऊपर भी एक बारी हम लोग प्रेस मारेंगे। तो ये देखो, अब हम लोग, ये 4 फोल्ड कपड़ा है, 2 तो ये इस तरफ से बंद है और इस तरफ से खुला है, 2 ये है। ठीक है जी, ये 4 फोल्ड कपड़ा है। ठीक है, और ये लंबाई में हमने बिछाया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो है आड़ा टेढ़ा जो है, इसको पहले सीधा कर देंगे। ठीक है जी, ये सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है जी, ये निकल गया। अब यहाँ से हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच, मैं 1 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलाइयाँ लगानी मैंने। तो सामने भी हमने 1 इंच, ठीक है, 1 इंच को हम लोग ये इसको ऐसे सीधा करके निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है जी, ये निशान लग गया। अब यहाँ से हमारी जो लंबाई है वो है 29, तो इसको रखेंगे हम लोग 30। ठीक है जी, ये 30। ठीक है, तो 30 इंची इधर से, ठीक है, इन निशानों को भी हम लोग मिला लेंगे।
ये निशान भी आपके, जैसे जैसे आप निशान लगाओगे वैसे वैसे इनको मिलाते जाना है आपने, ठीक है जी। अब के अब लगाएंगे हम लोग, मुंडा रखेंगे हम लोग ये 7 इंच, ठीक है जी, 7 इंच मुंडा है। और हमारी जो कमर है वो 13.5 पे आ रही है, अगर हमारी कमर 13.5 पे आ रही है तो 0.5 इंच उसमें हम लोग और ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो ये हो गई 14 पे, ठीक है जी, 14 पे निशान लगाएंगे। और इधर ऊपर से ही अगर हम लोग सीधा देख लेते हैं कई बार कि हमारे चाक कितने इंच पे आ रहे हैं, तो मोस्टली जो चाक का निशान है हम लोग 21.5 या 22 पे लगाते हैं। तो ये देखो 21.5 पे हम लोग, ये लिखा है मैंने 21.5, ये इसमें भी हम लोग 21.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और सेम यही चीज हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, ये 7 इंच, 14 इंच और 21.5। और इन निशानों को हम लोग आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। ये हमने ऐसे इसको मिला दिया, ये ऐसे, ठीक है जी। अब हमारे निशान तो पूरे हो गए, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा हम लोग किसके हिसाब से लगाते हैं, एक तो हम लोग हमारा गला देखते हैं कि आगे पीछे का हमारा गला कितना है, तो इसका 7 और 5 है। और साथ में तीरा निकालने का भी एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको मतलब कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है, कि आपने कैसे निकालना है। तो हम लोग फिर उस टाइम वही चीज़ करेंगे कि फार्मूला निकालेंगे कि कैसे इसको कैसे इतना सा हम लोग कैसे बताएंगे, मतलब तीरा निकालना और निशान लगाना, ठीक है, मुंडे की आर्म होल की को जो गुलाई होती है उसको। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग तीरा कितना रखेंगे, तीरा रखेंगे हम लोग 6.5, ठीक है जी। तो 6.5 का ही निशान हम लोग इधर लगा लेंगे ये, ठीक है जी। अब इन निशानों को आप मिला लो, ठीक है, आपस में आपने इसको, तो ये देखो हम लोग तीरे का जो निशान लग गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पर छाती का निशान लगाएंगे, ये है 22.5, तो 11 इंच से एक सूत कम, ये होता है 22.5, ठीक है जी। 11 इंच से ये देखो आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। अब लगाएंगे कमर का निशान, कमर हमारी कितनी है, कमर है 21.5, ठीक है जी। तो हम लोग लगाएंगे 10.5 पे निशान, ठीक है, ये हो गया हमारा कमर का। और हिप 23 है हमारी, तो ये लगाएंगे हम लोग 11.5 पे निशान, ठीक है जी। और घेरा भी हमारा, तो ये भी सेम 11.5, ठीक है जी। अब इन निशानों को हम लोग आपस में, ये इतने से हम लोग चाक रखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे इसके चाक भी बनाएंगे, तो ये निशान आपस में हम लोग मिला लेंगे, ठीक है जी, ऐसे ये निशान मिला लिए आपने। और ये मार्जिन, ठीक है, आगे जो है ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्जिन है, हम लोग यहाँ से कट कर देंगे इसको, ठीक है जी। अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब इसकी बारी। और 0.5 इंच आपने इसको यहाँ से डाउन करना है, ये जो हमारे तीरे की लाइन है इधर से, और कहाँ से, जैसे हमारे गले की कितनी चौड़ाई होती है, तो इसको हम लोग रखते हैं 2.75, तो ये 2.75 से आगे 0.5 इंच हमने इसको ऐसे डाउन कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से ये जो लाइन लगाई है हमने, बॉक्स जो बनाया है,
तो 3 इंच इधर से और 3.25 इंच ऐसे, 3.25 ले लो, 3 ले लो, इसमें 3 ले लेते हैं ऐसे, 3 इंच इधर से और 1/2 इंच अंदर को, ठीक है जी। ये तो अब हमने इसको स्केल को यूज़ करना है ऐसे, ये इसको ऐसे सेट करना है आपने, ऐसे सेम, ये जो 0 से बनी है ना ऐसे, तो यहाँ से इसको लेके आपने ऐसे निशान लगा देना, ठीक है जी। पहला निशान हमारा ये लगा और दूसरा निशान आपने ऐसे, ये जैसे मैंने स्केल सेट करी है, ये देखो, ये लाइन से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे, ठीक है जी। तो इसको भी आपने ऐसे, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है ये बैक की है, ये फ्रंट की है, ठीक है जी। अब आपने हमारा जो ये देखो मुंडे आर्म होल की जो गोलाई है, ये थोड़ा सा हम लोग ना, क्योंकि कुर्ता जो टॉप हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं तो थोड़ा सा लूज होना चाहिए, तो ये देखो अब हमारा जो ये मुंडे की जो गोलाई है 10.5 है ना, तो आपने फिर निशान लगाने के बाद ऐसे ना इसको नाप लेना है ऐसे, ये देखो ये पूरा 10.5 आ रहा है, ये देखो, ठीक है जी, ये ठीक है। अब हमने हमारे टॉप के जो जितना भी इसका निशान वगैरह थे वो लग गए, अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऊपर से ऐसे सीधा काटेंगे, ठीक है, 1/2 इंच डाउन, ठीक है, यहाँ तक काटेंगे और यहाँ से पहले हम लोग बाहर वाली जो लाइन है इससे काटेंगे, ठीक है जी। आपने पहले बाहर वाली काटनी है, ठीक है, यहाँ से, और इस कपड़े को उठा देना है आपने, ये जो मार्जिन है ये लेना है आपने, ठीक है जी, इतना सा मार्जिन लेते हुए और ये लास्ट तक आपने कटिंग कर देना है इसको, और इसमें लगा लेने हैं अब कट्स कि इसको, ताकि हमें निशान से इन कट से पता चल जाए कि यहाँ पे हमारी कमर का निशान है, यहाँ पे हमारी छाती का निशान है, ठीक है जी। ये और एक निशान ये, और ये लास्ट का बीच का, गले के बीच का सेंटर का निशान, ठीक है। अब हम लोग इसको बीच के पल्ले को हम लोग निकाल लेंगे ऐसे, ये देखो ऐसे। अब हम लोग ये जो अंदर की मतलब गुलाई है इसकी आर्म होल की मुंडे की, तो ये हम लोग इसमें काट डालेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि काट डलती है, तो ये हम लोग काट जो हमने अंदर की तरफ डाली है इसको हम लोग ऐसे निकाल देंगे, ठीक है जी। ये देखो ये हमारा, अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये दोनों पल्ले कट गए हैं, शायद इसमें पता नहीं चल रहा है, कपड़ा सेम है। ये देखो ये बैक है और जिसमें ज़्यादा थोड़ी सी गुलाई है ये आगे वाला पल्ला है। तो ये हमारे दोनों पल्ले कट के तैयार है, अब हम लोग बाजू काटेंगे, ठीक है जी। हमारी इसकी जो बाजू है वो है 15 इंच तैयार है और 5.5 इंच इसकी नीचे से गुलाई है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी सेम, क्योंकि इसमें तुरपाइयाँ नहीं होंगी, तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे हम लोग, तो ये निशान लगा लेंगे 1 इंच का, ठीक है, ऐसे लाइन लगा लेंगे आप, ठीक है जी, लाइन लगा ली। और इसके बाद रखेंगे 15 है तो हम लोग 15 में 1/2 इंच सिलाई का जोड़ के 15.5 इंच हो गया, ठीक है। तो 15.5 इधर से आप निशान लगा लो, ठीक है। इन निशानों को आपने और ये निशान मिलाने हैं, पर जैसे ये निशान हमने ये देखो मिला लिया, पहले मिला के 3.5 इंच आपने नीचे को जो गुलाई देते हैं ना, तो ये बड़ों के लिए 3.5 इंच नीचे को, ठीक है, ये 3.5 इंच आपने लेके ऐसे यहाँ से आपने
9 इंच रखना है, ठीक है। ये 9 इंच रख के ये देखो, और यहाँ से 9.5 हो रहा है। ये जैसे हमने 9 इंच रखा, जैसे आपको सुविधा लगती है, यहाँ से 9 और ऐसे रखना हो तो 9.5, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, हल्की सी आपने शेप दे देनी है इसको। चाहे आप इसको नीचे ऐसे ऐसे उतार दो, चाहे आप इसको ऐसे मोड़ लो, ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। और ये आपने नाप लेना है, ठीक है जी। ये देखो, ये 10.25 आ रहा है, तो आप इसको हल्का सा हम जैसे आगे ऐसे करेंगे तो मार्जिन भी बच रहा है हमारा। और ये देखो, ये ठीक पूरा 10.5 पे बैठ जाएगा मोड़े की जो गुलाई हमारी, ठीक है जी। ये हो गया, और नीचे लगाएंगे हम लोग 5.5 है हमारी गुलाई, तो ये 5.5 पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम लोग आपस में ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे, ठीक है जी, ये मिला लिया आपने। और ये हमने मार्जिन रख लिया, वो आपकी इच्छा है आप कितना मार्जिन रखना चाहते हो, ठीक है। और ये जो टेढ़ी करके लाइन लगाई है, ये हमारी जब हम लोगों इसको मोड़ते हैं ना तो उसके लिए काम आ जाती है कि कितना हमने मोड़ना है, कहाँ तक मोड़ना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको अब काट लेंगे, ठीक है जी, ऐसे ऐसे। और यहाँ से भी आपने इसको बराबर कर देना है, ठीक है जी। ये दोनों तरफ से कट गया, अब इधर से थोड़ा सा शायद आपको दिखे ना, ये ऐसे, ठीक है, और ये, और इनमें इधर कट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इधर हम लोग कट मारेंगे ऐसे, और एक कट मारेंगे हम लोग यहाँ बाजू के सेंटर में, ठीक है। और ये जो बाकी कपड़ा बचा है ये हमारे गले गुले में लगाने के काम आ जाएगा। तब भी फिर भी हमारे पास मतलब ये देख लो एक्स्ट्रा कपड़ा कितना बच रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपने शॉर्ट कुर्ती के लिए अगर कपड़ा लेना है जीन के साथ जो डालते हैं या पजामे वगैरह के साथ, तो 1.5 मीटर ही लेना, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो दोनों बाजू हमारे कट के ये तैयार है, ठीक है जी। ये एक बाजू, ये दूसरी बाजू, और ये हो गई हमारी शॉर्ट कुर्ती तैयार, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी जो मैं सिलाई की वीडियो वो भी आपको दिखाऊंगी, इसके साथ की मैं 3 कुर्तियां बनाने जा रही हूँ और इस सेम इसी नाप की हैं, ठीक है। तो मैं एक की उसमें से चाहे इसी की डाल दूंगी, सिलाई की भी आपको मैं सिल के भी आपको इसको बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।